सुनो एक बात पूछूं, सच सच बताना। बोलो। शादी से पहले जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें उसकी याद आती है? नहीं नहीं, मुझे उसकी याद क्यों आएगी यार, सच बताना प्लीज। अरे बाबा, मुझे उसकी याद क्यों आएगी? देखो मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज सच बता दो। अरे मुझे उसकी याद क्यों आएगी, मेरी तो रोज उससे फोन पे बात होती रहती है। सुनो, घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यार मुझसे है ना एक गलती हो गई। क्या? वो तुम्हारी फोटो है ना स्टेटस में डाल रहा था, तो VIP की जगह ना RIP लिख दिया मैंने। क्या बात है, आज बिना लड़ाई सो गई, वरना सारा दिन किच 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 करती रहती। राजा जी करे तारा, अभी मजा आएगा ना। भिड़ो, ध्यान रखना, मैं अभी चम्मच लेकर आया, थोड़ी चटनी भी ले आना। रुको जरा, सबर करो। खत्म। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हो? सुनो, अगर कोई तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? ले, मुझे कोई 5 लाख दे, मैं तो तुम्हारे पानी में जहर मिला दूंगी। कैसे मुझे तुम मिल गई? सोते हुए कितना क्यूट लगता है। अगर इसकी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ हुई होती तो उसकी गोद में भी ऐसे ही सर रख के सोता। धोखे बॉस। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मारा। बेबी मेरे होते हो, आपको कोई मार सकता है? आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपको 6 महीने तक अपनी बीवी के साथ कमरे में बंद रहना है, उसके बाद आपको 6 करोड़ दिया जाएगा। या ऑप्शन बी। अगर गलती से किसी ने मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डलवा दिए तो 1 करोड़ का तो लूंगा घर, 1 करोड़ की लूंगा गाड़ी, और बचे हुए 1 करोड़ को डोनेट कर दूंगा। पर फिर यार मेरे पे खर्चा नहीं बचेगा, सारा पैसा तो खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ नहीं, ऐसा करूंगा सिर्फ 1 लाख रुपए डोनेट करूंगा, बाकी 99 लाख रुपए अपना खर्चा रखूंगा। अब मन से करना चाहिए, चाहे कम करो या ज्यादा करो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। क्या मौसम हो रहा है यार। अगर रेशन घर में बहुत कम है, आलू प्याज घर में खत्म हो गए हैं, तेल मैंने सर पे लगा लिया और चाय बनाने का मेरा मन नहीं। कहा मैंने कुछ, सोने जा रहा हूँ मैं। क्यों मम्मी, घर नहीं? पेट्रोल खत्म है, टायर में हवा कम है, चाबी गुम गई है और तेरे पैकेज जाने का मेरा मन नहीं है। चाय खत्म हो गई, और ले आऊं? लेकर। आपको कितनी बार समझाया है कि अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ मत घूमा करो, आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, आपका करियर आपके हाथों में है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अरे यार ये खुल क्यों नहीं रहा है? एक बार मैं ट्राई करूं क्या? ठीक से टॉर्च दिखाओ। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसको भी आज ही खराब होना था। ठीक से टॉर्च दिखाओ। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? लो तुम ही कर लो। देखा, ऐसे पकड़ते हैं टॉर्च। क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति को मार दिया। अच्छा क्यों? अरे उसने पोछा लगाया था, फ्लोर गीला था और वो उस पे चल दिया। तो ये फोर्स अभी भी बाहर खड़ी है, अंदर जाके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? फ्लोर अभी भी गीला है। मैंने पक्का पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे। वो कैसे? तभी तो मुझे आप मिले। मैंने क्या पाप कर दिया फिर? तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट पर पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है। तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा, और अगर तू वैसे करेगी तो... गुस्सा क्यों हो रही है मेरे से? तू भी तो जाती है मसाज कराने। मैं लड़की से करवाने जाती हूँ। तो मैं भी तो लड़की से ही कराने जा रहा हूँ। शाबाश। बोल औरतों की साड़ी जिंदाबाद। औरतों की साड़ी जिंदाबाद। बोल औरतों का मेकअप जिंदाबाद। औरतों का मेकअप जिंदाबाद। अब बोल दोस्तों के साथ पार्टी मुर्दाबाद। ठकराइन।
तुम्हारी साड़ी जिंदाबाद है, हमें इससे कोई इतराज नहीं। तुम्हारा मेकअप जिंदाबाद है, हमें इससे कोई इतराज नहीं। हमारे दोस्तों की पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। दोस्तों के साथ पार्टी जिंदाबाद, दोस्तों की पार्टी जिंदाबाद। सुनो हाँ? शादी से पहले जब मैं हंसती थी तो आप कहते थे कि तुम बड़ी प्यारी लगती हो, और अब जब मैं हंसती हूँ तो प्यारी लगती हूँ, देखो ना। तूने मेरी जेब से पैसे निकाले? हाँ निकाले, कुछ जरूरत थी? जरूरत थी तो मांग लेती ना, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मैं ऐसे पैसे मांगती रहूंगी, मुझे भी तो आत्मनिर्भर बनना है। अरे यार अब की बार मान जाओ ना प्लीज ना यार, क्यों मुंह बना? तुम रह नहीं दो। पर मैंने किया क्या ये तो बताओ। अब इसको क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता मैं गुस्सा क्यों। प्रॉब्लम ही तो यही है कि तुम्हें बताना पड़ता है कि लड़ाई किस वजह से हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब बताओ तुम्हें। अरे मेरी गलती है ठीक है ना। आपको पता है बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? तुम मेरी मम्मी की तरह खाना नहीं बना सकती, तुम भी मेरे पापा की तरह पैसे नहीं दे सकते।